आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार का बयान बहुत बज क्रिएट कर रहा है, जहां पर उनका कहना है कि जिन्होंने अहंकार दिखाया भगवान श्री राम ने उन्हें 241 पर रोक दिया। लोकसभा चुनाव में सीट घटने के बाद बीजेपी अपनों के निशाने पर है। आरएसएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि जो अहंकारी बन गए भगवान राम ने उन्हें 241 पर रोक दिया। जिन्होंने राम के सत्य के पर धीरे धीरे अहंकार आ गया उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर एक नंबर दो पर गए, इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है। इसमें जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आए उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी गुना जिनके अंदर राम की अनास्था थी अश्रद्धा थी और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। देखिए ना, इंद्रेश कुमार के इसी बयान के बाद बीजेपी को घेरने का मौका विपक्ष को भी मिल गया है। विपक्ष भी कह रहा है कि जनता ही भगवान है इस लोकतंत्र में। इंद्रेश कुमार के बयान के बाद उद्धव गुट वाली शिवसेना ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उद्धव गुट ने कहा है जहां जहां भगवान राम का वास है वहां बीजेपी हारी है। बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस देखता रह गया, हमें ये अपेक्षा है आरएसएस जो सत्ता पर बैठा है अहंकार की शिरोमणि, आप उनको जल्दी ही उस सत्ता से दूर करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने तो आरएसएस को भी एक तरह से किनारे लगा दिया है। अब इंद्रेश कुमार ये जब विपक्ष में थे तो ज्यादा वैल्यू थी, जब जेपी नड्डा जी ने कह दिया कि अब आरएसएस की बैसाखी पर हम नहीं अपने बूते पर खड़े हो गए। वहीं श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास ने इंद्रेश कुमार पर निशाना साधा है। इंद्रेश जी हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए प्रयास करते रहे लेकिन उनका प्रयास बिल्कुल विफल हो गया, इंद्रेश जी असफल हो गए, इसलिए वो आरोप अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।